छोटे पर्दे के पीछे की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव शेड्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। गुड्डन बनाने चली है खिचड़ी। जी हाँ, सही सुना आपने। मकर संक्रांति के मौके पर जब क्रिएटिव शेड्स की टीम गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के सेट पर गई, तब हमने देखा कि गुड्डन ने लिया है खिचड़ी कंपटीशन में हिस्सा। पर आखिर क्यों? चलिए गुड्डन से ही जान लेते हैं। गुड्डन की जिंदगी में ये चल रहा है कि एजे ने कुछ हिसाब किताब मांग लिया गुड्डन से कि तुम बहुत तोड़फोड़ करती हो, देखो बहुत तुमने तोड़फोड़ कर दिया, घर में इतना राशन खाती हो तुम, सारा दिन खाती रहती हो, तो उसका हिसाब दो, तुम पैसे मांगती हो ना हर बात पे, तो आज हम तुमसे पैसे मांग रहे हैं। तो गुड्डन के तो दिल लग गई कि अरे मैं कहाँ से पैसे दूंगी। तो गुड्डन कहती है लेकिन ठीक है हम देंगे और तुम्हारा पाई पाई चुका के रहेंगे। तो उसको कंप्लीट तो हिसाब किताब करने के लिए गुड्डन ने खिचड़ी प्रतियोगिता में पार्ट ले लिया क्योंकि इसकी विनिंग अमाउंट इज 1 लाख। गुड्डन ने एजे का चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, मगर एजे अच्छी तरह से जानते हैं कि गुड्डन अकेले ये कंपटीशन नहीं जीत सकती, इसीलिए वो गुड्डन की मदद करने आ जाती है। मगर गुड्डन को नहीं चाहिए एजे का कोई भी एहसान, इसीलिए वो एजे की मदद ठुकरा देती है। अभी इतना बता सकता हूं कि बहुत टेंशन चल रहा है दोनों के बीच में और ये 1 लाख रुपए उसकी ईगो के लिए जीतना बहुत जरूरी है। एंड अक्षत फिर भी उसकी मदद करने आता है, जबकि वो जानता है कि 1 लाख रुपए जीत के वो उसी को हराएगी, फिर भी वो उसकी मदद करने आया है। लेकिन गुड्डन बोलते हैं कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए क्योंकि मैं अकेले करना चाहती हूँ। तो कहते हैं ठीक है, तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो कर लो, करके दिखा दो, अक्षत आसपास ही है, जब जरूरत होगी बुला लेना, आ जाएगा। फिर गुड्डन की मुश्किल बढ़ाने के लिए होती है दुर्गा बहू की सरप्राइज एंट्री, जो इस कॉम्पिटिशन में गुड्डन को हराने आई है। बाकियों को देख के गुड्डन इतनी टेंशन में थी, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को देख के, एक और पार्टिसिपेंट आता है, गेस्ट अपीयरेंस होती है, अनाउंसमेंट होती है, तो गुड्डन को लगता है ओके एक और सही, पहले इतनी डरे हुए एक और सही। लेकिन जब एंट्री होती है देखती है दुर्गा जी, तो गुड्डन की तो वहीं टाइट है फिश की, अब क्या होगा, मतलब हारेंगे भी अपने ही घर से। तो गुड्डन सोचती है अच्छा चलो पैसे तो घर में आएंगे। गुड्डन, आपसे कोई काम कभी ठीक से हुआ है भला, जो अब होगा, लेकिन क्या इस बार आप ये कंपटीशन जीतकर सभी की बोलती बंद कर देंगी? अब पता नहीं वो जीत पाएगी कि वो 1 लाख रुपए गुड्डन को मिलेंगे कि उसको देने पड़ जाएंगे, वो आपको देख के पता चलेगा। मुझे लगता है गुड्डन से ना हो पाएगा, बाकी आप लोग एपिसोड देखिए गुड्डन से हो पाएगा कि नहीं। वैसे गुड्डन और अक्षत की ये नोकझोंक ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है और देखते ही देखते इस शो ने पूरे कर लिए हैं 100 एपिसोड्स, और इसके लिए गुड्डन और अक्षत हैं आप सबके शुक्रगुजार। 100 एपिसोड्स पूरे होने वाले हैं हमारे, तो एक तरह से हमारी सेंचुरी पूरी होने वाली है। एंड वी एट इन द टीम ऑफ गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, वी आर ऑल वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हम लोग 100 एपिसोड्स तक कैसे पहुंचे हमको पता ही नहीं चला, और अच्छी TRP के साथ पहुंचे, और अभी भी हम लोग जारी हैं। तो मेरी उम्मीद ये है कि ये 100 जो है हमारे एपिसोड हुए हैं, इसको हम बहुत जल्दी 1000 कर लें, और आपका प्यार मिलता रहे और हम आपको एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर लविंग अस। मैं यही कहना चाहूंगी कि 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द होल टीम ऑफ गुड्डन, लविंग गुड्डन, एंड प्लीज ऐसे ही हमें प्यार करते रहिएगा। छोटे पर्दे के पीछे की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव शेड्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।